तो कस्टम फॉर्मेटिंग में हम पॉजिटिव, निगेटिव, टेक्स्ट और जीरो के बारे में जानेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको कल बताया था प्रवीण जी कि हमने 1500 लिखा, तो 1500 के आगे या पीछे मुझे कोई टेक्स्ट ऐड करना है, जैसे MRP और यहाँ पे 1500 करना है, ठीक है। तो नॉर्मली जब टाइप कर देंगे तो फिर उसपे मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होगी, इसके ऊपर किसी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी पॉसिबल हो और ऐसा दिखे भी, इसके लिए हम करते हैं यूज कस्टम फॉर्मेटिंग का। तो हम होम में जाते हैं, नंबर में, और जाते हैं हम यहां कस्टम में, और कस्टम के अंदर आप देखेंगे यहां पे हम यूज करेंगे अपना कोड। तो आपको यहां जो आप शो करना चाहते हैं, जो करेक्टर, जो टेक्स्ट आप शो करना चाहते हैं, उसको इन्वर्टेड कॉमा में लेके डाल दीजिए। जी हाँ, इन्वर्टेड कॉमा में लेके डाल दीजिए। जैसे मैंने डाल दिया MRP, और जैसे कि मैंने कल बताया था आपको कि अगर इसके आगे मैं किसी तरह का करेक्टर ना दू तो रिजल्ट इस तरह से आएगा, MRP सिर्फ आएगा, आपकी जो नंबर है वो नंबर विजुअल नहीं होगा। तो बेसिकली MRP जस्ट विजुअल है, एक्चुअल में आपका 1500 ही है, क्योंकि तो मैंने कल ये भी बताया था आपको कि किसी तरह की फॉर्मेटिंग आपकी ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं करती है, वो जस्ट आपकी विजुअल वैल्यू को चेंज करती है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम इसको शो करने के लिए हम नंबर के कस्टम में जाएंगे और यहाँ पे एक हैश यूज करेंगे या एक जीरो यूज करेंगे। तो हैश और जीरो को यूज करें, ये भी हम आपको समझा दिए थे कि जीरो करेंगे तो डिजिट मेंटेन करेगा, हैश करेंगे तो डिजिट मेंटेन नहीं करेगा। फिर एंटर प्रेस करते आपके सामने MRP 1500 शो हो गया। ओके, MRP 1500 शो हो गया। अब यहीं पे बात आती है कि अगर मैं यहां नेगेटिव में रखूं तब क्या शो होगा, तो माइनस शो होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि नेगेटिव जब हो तो MRP की जगह पे डिस्काउंट शो करे, तो इसके लिए हम कस्टम में जाएंगे। देखिए कस्टम में क्या होता है, चार पोजीशंस होते हैं। पॉजिटिव अभी जो हम डाला वो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव में ले लिया, अब मुझे नेगेटिव का डालना है तो हमें सेमी कॉलन डालना होता है, और सेमी कॉलन में मैंने यहां पे कर दिया डिस्काउंट और यहां पे जीरो दे दिया, डिस्काउंट और जीरो दे दिया, तो अब यहां पे डिस्काउंट शो हो रहा है। तो ये सेम उसी तरह से है जब कोई फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे आपने इफ का फॉर्मूला लगाया तो इसके अंदर तीन पार्ट है ना, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ऑफ ट्रू, वैल्यू ऑफ फॉल्स। तो हम एक चीज डालेंगे, फिर कॉमा डाल के फिर दूसरा चीज, फिर कॉमा डाल के तीसरा चीज डालते हैं, सेम उसी तरह से कस्टम फॉर्मेटिंग में आपका यहाँ पे पोजीशंस होते हैं कि आप सेमी कॉमा की जगह पे यहाँ सेमी कोलन चलता है कि पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, और जो तीसरा होता है वो होता है जीरो। तो जीरो में जैसे मैं कर देता हूं फ्री, जब जीरो टाइप करूं तो शो करे फ्री। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैं जीरो यहाँ पे नंबर टाइप करता हूं तो MRP, माइनस में किया तो डिस्काउंट, और जीरो कर दिया तो फ्री। और इसके बाद यहां पे अगर मैंने एट द रेट दिया, हमने क्या दिया एट द रेट, तो एट द रेट होता है टैक्स के लिए। तो ध्यान रखिएगा, जीरो और हैश नंबर को रिप्रेजेंट करता है और एट द रेट आपका प्रेजेंट करता है टैक्स का। तो अगर यहां कोई टेक्स्ट लिखता हूं तो टेक्स्ट के आगे हम एन लगाना चाहते हैं, तो n/a और यहां पे एट द रेट हमने कर दिया। तो एट द रेट करने से फिर टेक्स्ट दिखेगा, अगर ना करेंगे तो सिर्फ एन में दिखेगा। जीरो, अब मान लीजिए एट द रेट छोड़ दिए, हम जीरो डाल देते हैं तो जीरो यहां पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि टैक्स में आपका चौथा पोजिशन जीरो नहीं लेगा, एट द रेट लेगा। एट द रेट दिया, अब ओके कीजिए, ले लिया। तो यहां पे हम नंबर डालेंगे तो MRP, माइनस में डालेंगे तो डिस्काउंट, और जीरो डाल दिया तो फ्री, और किसी तरह का दिया तो उसके आगे एन इशू करेगा। तो प्रवीण जी, समझ में आया आपको क्या यूज हुआ इसका? सर एक बार इसको ना रिपीट कर दीजिए सर, थोड़ा सा डाउट है इसमें।
चलिए हम इसको इसको दोबारा रिपीट करते हैं लेकिन किसी और एग्जाम्पल पे। अब आपको क्या है कि मान लीजिए कि मेरे पास एक अटेंडेंस का सीट आया है, तो जनरली अटेंडेंस सीट में आपको क्या होता है, अब्सेंट प्रेजेंट होता है। लेकिन मेरा जो अटेंडेंस सीट आया है वो आया है हमारे मान लीजिए एडमिन डिपार्टमेंट से, जो कि आपका बायोमेट्रिक डेटा या एक्सेस कार्ड का डेटा है कि आपने डोर को ओपन करने के लिए कितना बार यूज किया है अपना एक्सेस कार्ड या थंब। होता है ऐसे ऑफिस में थंब लगाते हैं और दरवाजा खुल जाता है, फिल्म भी देखा होगा आपने, तो बायोमेट्रिक है यहां पे। तो अब होता है क्या है कि लोग ऑफिस में जाते भी हैं और ऑफिस से बाहर भी आते हैं, ऑफिस में जाते भी हैं और ऑफिस से बाहर भी आते हैं। तो एडमिन टीम ने बोला कि भाई ये रहा डेटा कि 1 तारीख को पूजा ने 4 बार अपना एक्सेस कार्ड या अपना थंब यूज किया है मेन डोर को ओपन करने के लिए। तो इसका मतलब है कि पूजा उस दिन आई है, ठीक है। उसी तरह से यहां पे देखिए, यहां पे 4 जनवरी में ओम जो है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि इसका एक्सेस कार्ड यूज हुआ हो या थंब यूज हुआ हो। इसका मतलब है कि इस दिन वो नहीं आया। क्लियर सर? तो यहां पे हमें 2 तरह का डेटा है, 0 एंड पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर इट मींस कि वो प्रेजेंट था, और 0 इट मींस वो अब्सेंट था। अब मुझे यहां पे जो प्रिंटआउट निकालना है, और प्रिंटआउट मुझे यहां पे शो करना है कि अगर यहां पे नंबर्स हुए, पॉजिटिव नंबर्स हुए तो वह हमें पी को शो करना है, और नेगेटिव नंबर हुए तो वहां नेगेटिव तो है नहीं, इसमें 0 हुए इसका मतलब अब्सेंट शो करना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, अपना डेटा को सिलेक्ट करना है। और ये मेथड जो मैं बताया, हमने क्या बताया इस मेथड में कि पहला पोजीशन होता है आपका पॉजिटिव नंबर का, दूसरा पोजीशन होता है निगेटिव नंबर का, तीसरा पोजीशन होता है आपका 0 का, और चौथा पोजीशन होता है टेक्स का। अब यहां इसको सीक्वेंस में डालना होता है, चारों डालना जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी डालिएगा सीक्वेंस में डालिएगा। अगर 3 है तो 3 तक डालिए, 2 है 2 तक डालिए, 1 है 1 तक डालिए। तो यहां पे मेरे पास 2 है लेकिन बीच में गैप है किसका, निगेटिव का। तो यहां पे क्या करेंगे कि हम इन्वर्टेड कॉमा में पी को यहां पे टाइप करेंगे, फिर सेमी कॉलन देंगे। अब पहला पोजीशन किसका था, पॉजिटिव नंबर्स का। अब दूसरा पोजीशन आता है निगेटिव नंबर का, तो निगेटिव नंबर तो मेरे पास है नहीं, तो इसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, कुछ नहीं डालते हैं। और तीसरा पोजिशन पे आगे जो कि हमारा 0 का है, यहां पर हमने 1 कर दिया, इट मीन्स अब्सेंट, एंड ओके कीजिए, आपके सामने डेटा शो कर जाएगा।